सब्सक्राइब करें कुकिंग विद अंबर चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अंबर। आज जो मैं रमज़ान स्पेशल में आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही टेस्टी और यूनिक सी है, आपको बहुत पसंद आएगी। वो है चने की दाल की चाट, जिसके लिए मैंने एक पाव चने की दाल ली, उसको हल्का सा नमक डाल के आप बॉयल कर लें। दो मीडियम साइज़ के आलू लिए, उनको भी आप बॉयल कर लें। और तीन टमाटर लिए हैं बारीक कटे हुए, और तीन हरी मिर्चें मैंने बारीक काट ली हैं। एक चम्मच मैंने कुटी हुई मिर्च का लिया है, एक चम्मच नमक, एक चम्मच चाट मसाला लिया है, और तीन मैंने इमली के दाने लिए हैं, और आधी प्याली मैंने हरा धनिया बारीक काट लें आप उसको, और बघार के लिए मैंने एक चम्मच जीरा लिया है। एक बाउल में जो मैंने चने की दाल बॉयल ली हुई थी उसके अंदर आप कटे हुए आलू जो बॉयल किए हुए हैं हो जाएंगे, और इसके अंदर टमाटर जाएंगे, और हरी मिर्चें आप बारीक कटी हुई, अगर तेज़ खाना चाहते हैं आप तो ज़्यादा ले सकते हैं। तो ये सारे मसाले जो मैंने बताए थे आपको, वो सब मसाले इसके अंदर। अब इसको अच्छी तरह आप हाथों से मिक्स कर लें, और इसको आप 25 मिनट इसको आप रख दें ढककर, फ्रिज में ना रखिएगा, रूम टेम्परेचर पे रख लें। और अफ्तारी से कुछ देर पहले आप ये झटपट सी तैयार होने वाली चने की दाल की चाट है, आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, आपका टाइम भी कम लगेगा, और फटाफट ये तैयार हो जाएगी। और पापड़ के साथ आप इसको सर्व करें, खाएं पापड़ के साथ तो और ज़्यादा मज़ेदार लगेगी, ये बहुत ही टेस्टी होती है। चाहे तो आप सोया सॉस भी दो चमचे आप इसमें डाल सकते हैं अगर खटास आपको पसंद है, या लीमू डाल दें। मैंने इसमें इमली डाली है, ये अच्छी तरह देखें मिक्स हो गया है। अब इसको हम ढक के और रख देंगे। फ्राई पैन में हमने दो चमचे कुकिंग ऑयल डाल के अब ज़ीरा डालेंगे इसके अंदर हम। ज़ीरा हमारा ज़रा भून जाएगा तो मैंने आपको जो दाल बताई थी मिक्स करके रख ली थी, ज़ीरा हमारा भून गया है तो हम दाल डालेंगे। माशाल्लाह से देखिए कितना खूबसूरत लग रही है, और ये चाट जो बहुत ही मज़ेदार लगेगी, आपको बहुत पसंद आएगी चने की दाल की चाट, या आप पापड़ों के साथ भी खा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा ऑयल डालना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं ऑयल, मैंने दो चमचे डाले, आप तीन से चार चमचे डालें तो ज़्यादा अच्छी और फ्राई होगी। तेज़ आंच में आप इसको फ्राई करें, तो ये बहुत ही स्पाइसी मज़ेदार होगी चने की दाल की चाट, आपको बहुत पसंद आएगी ये मेरी रेसिपी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब इसको दो से तीन मिनट तक आप तेज़ आंच में से आप चमचे चलाते रहें, इसको फ्राई करते रहें, बेहतरीन सी मज़ेदार चने की दाल की चाट फ्राई आप खाएंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। चने की दाल चाट माशाल्लाह से तैयार हो गई है, अब हम डिश आउट करेंगे, बहुत ही मज़ेदार यमी यूनिक सी डिश है, आपको बहुत पसंद आएगी। अब हम डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह चने की दाल की चाट तैयार है, और बहुत यूनिक सी है, मज़ेदार है, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।